हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। 25 मई का ये व्लॉग है। सुबह सुबह हम लोगों ने चाय पानी अपना पी लिया है और पौधों को पानी वगैरह भी दे दिया मैंने। और यहाँ पे ये कुछ सामान मेरा रह रहा है जिसको मुझे अभी ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ये सारा मेकअप का है और ऐसे ही भर के लेके आना पड़ता है क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ होता है वहाँ पर, इतना टाइम तो होता नहीं है कि ये निकालना है वो निकालना है। फिर यहाँ पर आके मैं छांट के रखती हूँ सामान को। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की डेट है 25 मई और आज है सैटरडे। तो बस अभी मैं ये सारा ये स्टैंड मैंने पूरा कल ऑर्गेनाइज़र कल वॉश किया था, रात भर में अच्छे से सूख चुका है ये। और मैं इसको अच्छे से अरेंज करके रख दे रही हूँ सारा सामान जितना भी मेकअप का है और जितने भी एक्सेसरीज है सारी चीज़ें। तो बस ये यहाँ पे 3 से 4 और कार्टून रह रहे हैं जिनको मुझे आज खाली करना है और मशीन लगानी है, क्योंकि मशीन तो अभी 2-3 दिन डेली लगेगी। हम लोगों ने चाय पी ली, अभी चाय बना के मैं कुछ नाश्ता बना लूँगी। तो कल सब्जी वगैरह हम ले आए थे, थोड़ी बहुत टमाटर धनिया मिर्ची ये सारी चीज़ें तोरी लेके आए थे। तो मैं नाश्ते में ऐसा बनाऊँगी कि वो हमारा लंच भी हो जाएगा। तो मैं सोची पराठा और वो बना लूँगी, क्योंकि इंडक्शन है ना तो रोटी तो बन नहीं पाएगी, तो पराठा और तोरी की सब्जी बना लेंगे, वो हमारे लंच के लिए भी हो जाएगा, वही हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और बस जल्दी से, आज इतना टाइम नहीं लगेगा, आज मैं जल्दी से नहा लूँगी, पूजा कर लूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा सामान सेट हो गया है, ज़्यादा नहीं बचा। तो 1-2 घंटे का काम है मेरा, इसको मैं कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी कोई भी यूज़ ही नहीं होती थी, कोई भी मेकअप वेकअप शूट ही नहीं होता था, मेरी पैलेट वैलेट सब ऐसी रखी हुई है। अब मैं कोशिश करूँगी आपके साथ सारी चीज़ें है ना, स्किन केयर वगैरह सारी शेयर कर पाऊँ मैं। ये क्या है? तो जितने भी बॉक्सेस है ना, ये इनमें सारा मेरा मेकअप का ही है। तो अभी इसमें से सारे जो भी मेरा सामान है ज्वेलरी का और मेकअप का, वो सब मैं ऑर्गेनाइज कर दूँगी। यार जब सामान सेट हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि मतलब इतना सामान नहीं है हमारे पास में, लेकिन जब हम घर खाली करते हैं ना तो एक एक चीज़ लेके जाते हैं तो इतना सामान दिखता है ना कि समझ नहीं आता कि यार कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ पे ख़त्म करें। मेरे को तो यही समझ में नहीं आता, लेकिन जब एक बार स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर काम जो है वो हो तो जाता ही है। लेकिन सच में जब सामान सेट कर देते हैं ना तो इतना सामान नहीं दिखता, सबको अच्छे से अरेंज हो जाता है। और यहाँ पर स्टूल में मैंने एक स्टूल बेड के साइड से लगाया है, तो इसमें मैं सारी अपनी ज्वेलरी रख देती हूँ जिससे मुझे टाइम पर मिल जाए। और फिर आई मैं किचन में, तो अभी कुछ बर्तन रह रहे हैं इसमें और किचन में तो अभी हाल बेहाल है क्योंकि कुछ भी सामान लगाने के लिए जगह नहीं है अभी मेरे पास में। तो मैं सोचूंगी कि क्या करना है, अभी तो बस मैं ऐसे खाली कर दे रही हूँ जिससे कि बाहर का जो मुझे स्पेस मिल जाए, है ना। ये सारी चीज़ें जो रखी हुई हैं गंदी लग रही हैं, अब ये कार्टून वगैरह तो ये सब मैं खाली करके रख दूँगी। एक बार में ये जाएँगे, इनको बेच देंगे हम लोग, बेच देते हैं, ख़रीदना भी पड़ता है और फिर जब ये खाली हो जाते हैं तो इनको हम बेच देते हैं। लेकिन ख़रीदने में ये महंगे पड़ते हैं और बेचने में तो ये कुछ में ही चले जाते हैं, कोई कुछ भाव लेता है कोई कुछ भाव लेता है। तो बस यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मैं अपना खाना पीना कर लेती हूँ। इंडक्शन अच्छा हुआ मैंने इंडक्शन ऊपर रख रखा था क्योंकि हमारे दोनों सिलेंडर खाली हैं। लगा रही हूँ, आ रही हूँ, खुला रहने दो गेट थोड़ा। सारा सिलेंडर हमारा खाली, इसको भर के आना है, वो सारा हम बाहर बेच देंगे। और जब लेते हैं ना तो 10-15 रुपए का एक देते हैं और जब बेचते हैं तो रद्दी के भाव में ही जाता है। और मैं अभी घर की झाड़ू निकाल रही हूँ, पोछा लगाऊंगी, फिर मैं नहाऊंगी, फिर मैं पूजा करूँगी पहले, बाकी काम सारे बाद में करूँगी। और ये इतना भी कचरा निकल रहा है क्योंकि अभी डेली ही क्लीनिंग वाला काम सामान सेट चल रहा है ना, तो सारा मैं पूरी झाड़ू निकालूंगी। और मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। तो ये पार्किंग एरिया मैंने झाड़ू निकाली पूरे पार्किंग एरिया की और मैंने इसको वॉश भी कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी, झाड़ू से नहीं जाती है, एक दोबारा वॉश कर दो ना तो सही रहता है। और ये भी हम लोगों ने शिफ्ट किया ना, उसकी वजह से ही डस्ट आई है।
तो मैं अभी इसको धुल दूँगी अच्छे से। और ये यहाँ पे इसको देख रहे थे, हमारे पास मशीन है जिससे कि हम घर में ही तोल लेते हैं कि कितना हो रहा है, क्योंकि एक बार ना हमारे साथ चीट हुई थी सिलेंडर के साथ। तो हम सिलेंडर जब भी आता है ना तो हम उसको घर पर ही देख लेते हैं कि उसमें गैस प्रॉपर है ना, क्योंकि ये लोग कम करके देते हैं। तो उसके बाद से फिर कम नहीं की थी जो सिलेंडर वाले भैया हैं उन्होंने। तो अभी मैं बस नहाई, नहाने के बाद मैं आई हूँ पूजा करने के लिए। भगवान जी के बर्तन साफ़ किए अच्छे से मैंने पीतांबरी से, और घर में पहले पोछा लगाया, फिर मैं नहाने गई। इतना अच्छा लग रहा था नहाने के बाद, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, 9 तपे स्टार्ट हो गए हैं सुबह का, तो पता ही नहीं चलता। रात के बाद सीधा दोपहर ही लगती है। सुबह जो ठंडी ठंडी सी हवा चलती थी वो कुछ भी ऐसा एहसास नहीं होता, बस लगता है कि हाँ टाइम देख करके लगता है कि हाँ चलो सुबह का टाइम है, लेकिन बाहर धूप ना सुबह 6 बजे से ही आ जाती है। तो बस यहाँ पे मैं दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ती हूँ, तो वो मैं पढ़ूँगी और फिर मैं भोग लगाऊँगी, आरती करूँगी। और पूजा करने से घर में इतना अच्छा लगता है, रौनक सी लगती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है पूजा करके। जो लोग पूजा करते हैं ना उनको बहुत अच्छे से पता है, और जो लोग नहीं करते यार वो क्या समझे कि पूजा पाठ क्या होती है। तो बस यहाँ पे मैं अपना पाठ पढ़ लेती हूँ, फिर मैं करती हूँ आरती। तो ये लीजिए, आप लोग भी दर्शन कीजिए, मैंने कपूर भी जलाया है। और बहुत दिन से आपको मैंने अपने भगवान जी नहीं दिखाए थे, तो अभी फूल वगैरह नहीं है मेरे पास में, तो अभी मैंने भोग में मैंगो रख दिया था भगवान जी को। उसके बाद जो कपड़े मैंने हाथों से वॉश किए थे वो मैं फैला देती हूँ यहीं पर स्टैंड पर ही, क्योंकि गर्मी इतनी है तो मेरे पास तो स्टैंड है, तो मुझे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे पास एक ही सब्जी है तोरी, तो ये गए थे टमाटर मिर्ची धनिया वगैरह लेके आए थे, उसके साथ में एक सब्जी ले आए थे। तो तोरी ना हम दोनों को ही बहुत अच्छी लगती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, तो मैंने सोचा चलो यही मैं बना लेती हूँ। पहले पराठे बनाने की सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे ना तवा नहीं मिला नॉनस्टिक वाला, क्योंकि लोहे का तवा तो मेरा इंडक्शन पर चलता नहीं है, तो नॉनस्टिक तवा मुझे मिला नहीं, मुझे दोनों ही तवा नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैंने सोचा, मैंने इनको बोला कि मैं पूरी बना दूँ, इसी कढ़ाई में मैं सब्जी बना लेती हूँ, इसी को साफ़ करके मैं इसमें पूरियाँ तल दूँगी। तो बोले हाँ ठीक है, जो है वैसा ही बना लो, अभी फालतू परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामान इधर उधर है ना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी मिलता ही नहीं है सामान, ढूंढना पड़ता है हर चीज़ को। तो बहुत जल्दी मैं किचन को सेट कर लूँगी। और बस यहाँ पे मैंने सिंपल सी तोरी की सब्ज़ी बनाई, और सिंपल सी क्या, बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कोई मसाले अभी है नहीं, गर्म मसाला है नहीं, मैंगो पाउडर है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मैंने बस नींबू डाल दिया था लास्ट में, हरी सब्जी में सबसे लास्ट में जब सब्जी बन जाए तब नींबू वगैरह ऐड करना चाहिए। तो इनको मैंने गरम गरम खाना खिला दिया है, और फिर मैं बैठ जाती हूँ खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद जो मुझे आलस आया ना मैं सो गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वेरी लवली गुड इवनिंग। तो आरती हो गई, अभी 7:30 बज रहे हैं, और पास में कहीं स्तुति भी चल रही है मंदिर में, तो वो मेरे कानों में पड़ रही है, इतना अच्छा लग रहा है ना। और मैंने बहुत अच्छे से आरती की, और अभी 7:30 बज रहे हैं, ये चले गए हैं डबला क्योंकि इनको कहीं खाना खाने जाना था, और एक अंकल जी भी आए थे उनके साथ गए हैं। और मैंने अपनी आरती कर ली, संध्या आरती, और अभी मैं तो कुछ नहीं बनाऊंगी डिनर में, क्योंकि मेरे लिए सुबह की सब्जी रखी हुई है, बस थोड़ी सी रोटी पराठे कुछ देख लूँगी अपने लिए। और आज ना मैं दिन में सो गई थी, बहुत अच्छे से नींद पूरी की मैंने, और क्योंकि ना आज इतना ज़्यादा काम हमने किया नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, तो उसकी वजह से मैंने आज ज़्यादा काम नहीं किए। मतलब बेडरूम पूरी तरह से सेट हो गया, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं, मेकअप की कपड़े और बाकी सारी चीज़, बस हमारे बेडरूम में टीवी लगनी है, टीवी रह गया है। और अभी हमारा आरओ नहीं सेट हुआ है, क्योंकि आरओ वाले भैया को आज हमने फ़ोन किया, तो वो अभी तो नहीं आए हैं, बोल रहे थे मैं आऊँगा शाम तक, लेकिन नहीं आए, अब कल देखते हैं। तो आरओ नहीं लग पा रहा है, तब तक हम लोग ऊपर से पानी ले लेते हैं। कल तो दीदी भी नहीं थी, तो कल हम लोग 2 बाटल बाहर से लेके आए बिस्लरी वाली,
क्योंकि पानी नहीं था पीने का, और जब हैबिट हो जाती है ना आपको आरओ के पानी की, और इनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये तो बिल्कुल ही नहीं पी पाते, मैं तो फिर भी पी भी लूँ लेकिन ये नहीं पी पाते बिल्कुल, इनका पेट और क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो जाती है उनको गले में। तो बस अभी क्या कहते हैं चले गए हैं, आरओ भी नहीं लगा है, टीवी भी नहीं लगी है, एसी भी नहीं लगा है, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, आज से 9 तपे स्टार्ट हो गए हैं बता रहे हैं, तो एसी नहीं लगा है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, कूलर से काम नहीं चल रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाता है। और आज मैंने मशीन भी नहीं लगाई, हाथों से ही कपड़े वॉश किए थे, कल मैं मशीन लगाऊंगी थोड़ा कपड़े, कल मैं मशीन से वॉश करूंगी, बहुत ज़्यादा कपड़े धुलने को हैं। और मेरे मंदिर में मैं सच बताऊँ ना, इतनी अच्छी एनर्जी मुझे मिल रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है वहाँ पर, सच बताऊँ मेरे मंदिर में भी मेरा मन ही नहीं लग रहा था पूजा पाठ करने में, और पता नहीं नेगेटिविटी से भरी पड़ी थी, और मंदिर में भी वो जो सुकून होता है ना, वो जो चमक होती है मेरे मंदिर में मेरे भगवान जी में, वो मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं मिल ही नहीं रही थी मंदिर में भी, मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या लग रहा था, अब ये तो भगवान ही जानते हैं। और यहाँ पे सुबह मैंने इतने अच्छे से पूजा की, पूरे अच्छे से सेट किया मैंने, ड्रॉवर वगैरह क्लीन करके भगवान जी को अच्छे से स्नान कराया, और देखो अभी आरती हुई, सुबह मैंने कपूर से भी आरती की थी। तो चलो अभी मिलती हूँ फिर मैं आपसे थोड़ी देर में, और कुछ आपके साथ बातें शेयर करनी है। तो गाइस आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने आपको कितने सारे ब्लॉग में बोला था कि जैसे ही मैं चली जाऊँगी ना, वो जो है वो फटाफट से आ जाएगी। भाई साहब कितना नाटक करते हैं लोग, सच बता रही हूँ, इन लोगों को ना टीवी सीरियल में काम करना चाहिए, बड़े अच्छे चलेंगे, स्टार भी फैले इनके आगे नाटक करने में। आज ही सुबह 23 तारीख को मैंने वहाँ से शिफ्ट किया है, मुझे एक दिन हुआ है बस यहाँ पे, और आज सुबह तो वो वहाँ पे पहुँच गई, मुझे पता था। और पता है एक दिन लेट क्यों हुई है, क्योंकि वो सारे मेरे ब्लॉग देख रही हैं, तो उनको पता है कि मैं एकदम से जाऊंगी ना तो सब लोग सोचेंगे कि हाँ वो सही कह रही थी, इसलिए चालाकी देखो एक दिन का गैप किया है। और आज वो पहुंच गई, मतलब अभी तक इतने नाटक चल रहे थे, सेकंड सेकंड पर बेहोश होना, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, वहाँ पर जो लोग देख रहे थे ना शादी में, वो लोग कह रहे थे कि ये नाटक हो रहा है ना, तो मैं किसी का नाम यहाँ ले नहीं रही हूँ। तो मैं क्या कह रही हूँ, हाँ इन लोगों को टीवी सीरियल में होना चाहिए जो कि बड़े फेमस हो जाएंगे, मुझसे कह रहे हैं फेमस होना चाहती है, भैया मैं पहले से ही फेमस हूँ और फेमस तुम लोग हो रहे हो। मेरे ससुराल वाले चाहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा दिखाऊं, देखो मैंने उनके बारे में अच्छा भी दिखाया, ऐसा नहीं कि मैं बुरा दिखा रही हूँ, और अगर मैं बुरी होती ना तो मैं अपने पति के साथ हमेशा के लिए अलग ही रह रही होती, कभी भी उनके पास जाती नहीं। तो मेरे ससुराल वाले चाहते हैं कि बस मैं अच्छा ही उनको दिखाऊं, बुरा दिखाऊंगी तो उनको मिर्ची लग रही है। इतने साल हो गए मेरी शादी को, मैंने सारी चीज़ें छुपाई परिवार समझ के, लेकिन अब मेरा परिवार ही नहीं है, सिर्फ मैं, मेरे परिवार में पता है कौन है, अब आप लोग पूछेंगे ना कि कोई, जो भी कोई मेरे से पूछेंगे कि तुम्हारे ससुराल में कौन है, तो मैं जवाब दूंगी कि मैं और सिर्फ मेरा पति बस, और कोई नहीं है, सारे रिश्ते स्वाहा, ये हमने नहीं किए, ये तुमने खुद ने किए, मतलबी लोगों ने, ठीक है। जब ऐसे मतलबी लोगों से रिश्ता रखना, कितनी अच्छी अच्छी रील्स चलती हैं यार इंस्टाग्राम पे देखा करो, और बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी स्टोरी पे भी लगाती हूँ उसको, आप मेरी स्टोरी वॉच जरूर किया करो, अगर आपको नहीं मिलती उस टाइप की रील तो मैं आपको स्टोरी में लगा के दिखाऊंगी, आप लोग मेरी स्टोरी जरूर चेक किया करो कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, है ना। जो हमारे दुख के समय में हमारे साथ नहीं है वो रिश्तेदार हैं, वो परिवार है, वो अपने हैं नहीं हैं, और हम उनके 24 घंटे उनके दुख में हमेशा खड़े हुए हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको वही दिखाई होंगी। भैया मेरे पास मुझे कमेंट करके बोलते हैं, मेरे हस्बैंड ने इनके मायके वालों को फ़ोन किया था, मेरी जिठानी के मायके वालों को फ़ोन किया था। अब वो फ़ोन हमने नहीं किया था, जब जिठानी का एक्सीडेंट हुआ था ना तो उनका फ़ोन हमारे पास आया था, ये बोलते कि तुम्हारा क्या रिश्ता है मेरे ससुराल वालों से, तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे ससुराल वालों का क्या रिश्ता है जो उन्होंने मेरे पति को फोन किया, जैसे उनको पता चला कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है तो सत्येंद्र को फोन कर लेते हैं। क्यों, सत्येंद्र कौन है, डॉक्टर है भैया, अपने दामाद को फोन करो ना, अपने ससुराल वालों को फोन करो, अपनी बेटी के ससुराल वालों को फोन करो, मेरे पति को क्यों फोन किया। तो ये वाला सवाल तुम अपने ससुराल वालों से पूछो कि जब कोई प्रॉब्लम होती है ना तो वो हमको फोन क्यों करते हैं, और तुम्हारे ससुराल वालों के यहाँ पे हम नहीं जाते, वो बुलाते हैं तो ही जाते हैं, बिना बुलाए कोई किसी के यहाँ पे नहीं जाता, समझे। और हाँ इनके ससुराल वालों ने क्या किया, इनकी माँ को मेरे पति ने फोन किया ये बताने के लिए कि आपके संस्कार क्या हैं, अगर
हमने आपके साथ अच्छा किया है तो इतना तो बोल सकती हैं भाभी कि उसकी क्या गलती है जो जो मेरी सास मेरे से सारी चीजें मेरे पे इल्जाम लगा रही थी। तो बस मेरे हस्बैंड ने उनकी माँ को इतना ही बोला फोन लगा के कि वहां पे भाभी इतना बोल सकती थी कि अंजलि की उसमें कोई गलती नहीं है, भाई साहब की उसकी में क्या गलती है जो तुम इतनी सारी बातें बोल रही हो। और बहाने देखो, अरे उसके सिर में दर्द हो रहा है, वो बोल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। कल मुझे फोन लगा के 2 घंटे इतने चिल्ला चिल्ला के फोन पे बात की है। और सुनो, जिस दिन हॉस्पिटल से आई थी ना, और आपको सच्चाई बताती हूँ, अब तो बहुत टाइम हो गया एक्सीडेंट को, चलो ठीक है मेरे लिए तो उनके सिर में दर्द हो रहा था इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकती थी। भाई जिस दिन हम हॉस्पिटल से, जिस दिन ये हॉस्पिटल से आई थी डिस्चार्ज होके, तो डबरा ही आई थी, मैंने ब्लॉग में दिखाया था, डबरा आई थी। उसके दूसरे दिन जब हम गांव जा रहे थे 3 तारीख को, तो ये वो जो बेड जो तखत डला था ना आंगन में, उस बेड पे बैठ करके इसके दीदी जिया जी आए हुए थे, कोई नरेंद्र जिया जी हैं इनके, वो आए हुए थे। उनसे अपने पति की चिल्ला चिल्ला के इतनी बुराई की वहां पे। वो खुद उनके दीदी जिया जी उनको समझा रहे कि मत बोलो इतना रहनू, क्योंकि तुम्हारे सिर में चोट लगी है। ठीक है, सब लोग, हम लोग भी यही बोल रहे थे, मैं तो नहीं बोल रही थी क्योंकि मैं अपने उस टाइम पे काम कर रही थी, मेरे पति भी यही बोल रहे थे भाभी इतना मत बोलो, कल तुम्हारा डिस्चार्ज होके आई हो, कल तुम्हारी छुट्टी हुई है तो तुम्हें यहाँ पर दर्द होगा। भाई साहब उस टाइम पे तो कोई भी दर्द नहीं था उस लेडीज को, अपने पति की 1-2 घंटे तक खूब अच्छे से बुराई करी, ये मेरे को मारते हैं, ये मेरे को ऐसा करते हैं, ये मेरे को वैसा करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरे लिए दो शब्द बोलने के लिए कि इनकी कोई गलती नहीं है, इतने सारे इल्जाम क्यों लगा रही हो, अगर तुमको लड़ना है तो दूसरे मैटर पर लड़ो, मेरे बारे में मत लड़ो, इतना बोलने के लिए इनके सिर में दर्द हो रहा था। ये जो नाटक है ना, ये नौटंकी है ना, ये मेरे सामने नहीं चलेगी। और मैं ये नाटक को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि ये बेहोशी का और इसका और उसका, ये तुम अपने लोगों को पागल बना सकती हो, लोग पागल बन सकते हैं, बट हम पागल नहीं बन सकते, क्योंकि हम ना दुनियादारी में रहे हैं और हमें पता है कि सामने वाला क्या। हम ना लोगों को देख करके और 1 सेकंड में पहचान जाते हैं कि ये कौन है। बस ये है कि परिवार समझ के तुम लोगों का साथ दिया, ठीक है। तो बहुत बड़ी गलती थी हमारी जो हमने 1 साल तुम्हारे लिए बर्बाद किया, लेकिन आगे क्या पता है। हाँ, तो इनकी माँ ने क्या किया, पहले ये वाली बात को हम कंप्लीट करते हैं। तो बस इसके लिए कि तुम्हारी बेटी इतना सा नहीं बोल सकती थी, इसके लिए हमने इनकी माँ को फोन लगाया था, इनकी माँ ने रिकॉर्डिंग करके अपने दामाद को और अपनी बेटी को भेज दी। मतलब क्या किया भाई, खून तो है ही ना, वो माँ है वो बेटी है तो एक तो रहेंगे ही, है ना। तो उन्होंने अपना जो चेहरा दिखा दिया, क्या रिकॉर्डिंग थी उसमें, कुछ भी जो रिकॉर्डिंग नहीं थी, क्या होगा उस रिकॉर्डिंग से। तो देखो चेहरे सबके सामने आ जाते हैं, अब क्या होगा आज के बाद, कुछ नहीं, तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग है ना। तो ठीक है, इनकी माँ ने बोला हाँ मैं समझाऊंगी अपनी बेटी को, समझाऊंगी, है ना। वो तो मैंने 2 सेकंड की आपको सुनाई थी, अगर मैं सारी सुनाती ना तो वहां से बुराई ही हो रही थी लोगों की, है ना। हमसे यही कहा जा रहा था कि बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इनकी माँ ही खुद बोल रही थी बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने तो 24 घंटे हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। और इनकी माँ के साथ ही मेरे पति दिन भर अस्पताल में बैठे रहते थे, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कौन सही है कौन गलत है। लेकिन आदमी को तो हमें ही गलत करना है, उनको पता है कि सब लोग अभी एक हैं, तो मुझे तो मेरी बेटी का ही साथ देना है, इनका साथ थोड़ी ना देना, ये थोड़ी ना मेरी बेटी दामाद है। तो इनका जो दामाद है ना वो बोलता है कि मेरा क्या, तुम्हारा क्या रिश्ता है मेरे ससुराल वालों से, हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, और ऐसे छोटे लोगों से तो बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। और तुमसे भी कोई, जब तुमसे कोई रिश्ता नहीं तो तुम्हारे ससुराल वालों से क्यों रिश्ता होगा हमारा, है ना। तो तुम्हारी ससुराल वालों ने ही फोन किया था, एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा पति कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इलाज कर दिया और करवा दिया, और तुम्हारे पैसे भी कम करवा दिए, ठीक है। उस चीज का तुम लोग कभी शुक्रिया नहीं कर सकते किसी का भी, ना मेरे पति का और ना ही वो अस्पताल वालों का जिन्होंने तुम्हारा बिल आधा कर दिया था, ठीक है। और देखो भगवान क्या करते हैं, जिसके बुरे दिन हैं, अब भगवान ये सोचते हैं कि यार इसके साथ में ये अच्छा इंसान चल रहा है तो मैं इसका बुरा कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो इसको बचा ले जाता है हर बार। तो इस बार पता है क्या हुआ, इस बार ये हुआ, भगवान ने ये सोचा कि सबसे पहले ये बुरा आदमी है ये अच्छा आदमी है, इसको ही हम अलग कर देते हैं, है ना, तो ये अकेला रह जाएगा तो इसका मैं बुरा आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि इसके कर्म है। और ये जो अच्छा इंसान रहेगा ना इसके साथ, तो ये आड़ बन के रहेगा, दीवार बन के रहेगा, और भगवान जो कुछ भी करना चाहते होंगे होगा, देर से होगा, लेकिन ये इसको बचा ले जा रहा था बार बार, ठीक है। तो जिसके जो बुरे दिन आ जाते हैं ना, तो उसके साथ अच्छे लोग भी टिक नहीं पाते, वो खुद साइड हो जाते हैं,
भगवान उनको खुद साइड से कर देते हैं। तो अब तुम्हारे बुरे दिन स्टार्ट हुए हैं। अभी तक जो अच्छे दिन तुम अपने बच्चों के साथ जो खेल रहे हो, कूद रहे हो, जो एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, और जो लोगों को झूठ बोल रहे हो, वो सब कुछ तुम्हारे सामने आएगा और लोगों के भी सामने आएगा, ठीक है। और तो इतने सालों के बाद मेरा मुंह खुला है, क्योंकि अब मुझे तुम लोगों से कोई रिश्ता रखना नहीं है, ना ही बनाना है, ना ही मरते दम तक। तो इसलिए आज मेरा मुंह खुला है और पूरी तरह से खुलेगा और सब कुछ सबके सामने आएगा, ठीक है। और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं चाहूं तो तुम्हारी FIR भी कर सकती थी कल जो तुमने मेरे साथ हरकत की, ठीक है। लेकिन फिर भी कहते ना, कीचड़ और पत्थर मारोगे तो कीचड़ किसके ऊपर आएगा, तुम्हारे ही ऊपर आएगा ना। फिर भी मैंने तुमको एक बार और छोड़ दिया, ठीक है, ये मेरी चेतावनी समझ लेना। एक बार फिर छोड़ दिया तुमको, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर इस तरीके की हरकत हुई ना, तो सच में तुम्हारी FIR होगी। और बहुत हो गया गाइस, मैं आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बदनामी मेरी भी है, इसलिए शेयर नहीं करती। लेकिन कल जो हरकत की है ना वो पति पत्नी ने, बहुत घटिया हरकत की है। मुझे फ़ोन किया था कल, 3-4 घंटे हमसे बहस हुई है और इतना अभद्रता से बात की है मेरे साथ कि सारी हदें पार। लेकिन फिर भी मेरे पति ने मुझे समझाया और भी लोगों ने समझाया मुझे, जिन लोगों को तुम फोन करके मेरे बारे में जो बोल रहे हो ना, वो लोगों ने ब्लॉक कर दिया है तुमको, समझे। अब तुम्हारे साथ मेरा पति भी नहीं है, और जो अच्छे लोगों से तुमसे मिलवाया था ना, तुम्हारी जरूरत के लिए मिलवाया था, इसलिए नहीं मिलवाया था कि तुम हमारे लिए फोन करोगे उनको, उनको बताओगे हमारे बारे में। वो तुमको बहुत अच्छे से जानते कि तुम क्या चीज हो, क्या कर रहे हो, क्या करके आए हो, समझे। इसलिए लोगों को फोन मत करो, खुद का ही मजाक बना रहे हो, हमारा मजाक नहीं बनेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि हम क्या चीज है। और मैं यूट्यूब पर ऐसे ही सारी चीजें लेकर के नहीं आई हूँ, बहुत सोच समझ के लेके आई हूँ। और मुझे आगे और मजबूर ना करो कि मैं भी सारी हदें पार कर दूं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप कानून का सहारा लीजिए, आप इनके खिलाफ रिपोर्ट कर दीजिए, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। मेरे साथ एक बार नहीं, 1000 बार गलत किया तुम लोगों ने। मेरे सिर में भी चोट आई थी 2 साल पहले, इतना झगड़ा हुआ था। इस बार भी तुम लोगों ने हरकतें अपनी की थी, समझे। लेकिन उसके बाद भी मैं फिर से आ गई, और अभी भी कभी आप लोग बताइए दोस्तों, मैंने इतने सारे वीडियो आपके साथ शेयर किए, मैंने जेठ जी करके ही बोला होगा, मैंने कोई गाली का यूज नहीं किया, कोई अभद्रता से बात नहीं की। अब देखिए, मैं यूट्यूब पर हूं, मैं यहां से घर खाली करूं, तो आप लोग मुझसे पूछेंगे ना कि दीदी आप घर खाली क्यों कर रही हो, तो मुझे रिप्लाई तो करना पड़ेगा। अब ये लोग ये चाहते हैं कि इसकी जगह मैं झूठ बोलूं कि मैं अपनी मर्जी से खाली कर रही हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसमें भी बुरी मैं हो जाऊं कि तुम किसी के साथ नहीं रह सकती, तुम ससुराल में रहना नहीं चाहती, इसमें भी बुरी कौन हो जाएगी, अंजलि, जो कि होना नहीं चाहती, असलियत दिखाना चाहती है कि मैं वहां से आई नहीं, मुझे वहां से आने को बोला गया, समझे। तुम यही चाह रहे हो ना कि मैं झूठ बोलूं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, और बहुत झूठ बोला मैंने तुम्हारे लिए, बहुत सारी चीजें छुपाई, लोगों से बोला, लोगों ने हमसे पूछा क्यों ऐसा हो गया, नहीं तो हमें नहीं पता, नहीं तुम झूठ बोलो, हम क्यों झूठ बोलेंगे, तुम कौन हो हमारे, अगर हम कोई होते ना तुम्हारे, तो कल जो तुमने गालियों का यूज किया है ना मेरे लिए, वो नहीं करते। वीडियो देख रहे हो ना, तो देखो अच्छे से, और अभी सारी चीज तुम्हारी बताई नहीं है मैंने, बहुत जल्दी बताऊंगी, लेकिन टाइम आने दो उसका।